सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ओएमजी बुर्से है उस जैसा एक नया ऐप यहाँ पे आ चुका है और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओएमजी बुर्से में जैसे आपने इन्वेस्ट किया था वैसे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये रियल है या फिर फेक है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा प्रूफ के साथ, पॉइंट के साथ, कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए, सारी चीज आपकी क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते शुरू। तो गाइस, उस ऐप का नेम है बर्गेल ऐप। तीन पॉइंट आपको बताने वाला हूं, उससे आप खुद ही पता पड़ जाएगा आपको कि ये रियल है या फिर फेक है। सो गाइस, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो इसका इंटरफेस है वो है ओएमजी बुर्स जैसा। मतलब जो ओएमजी बुर्स ऐप था उस जैसा इसका इंटरफेस है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब बात करें अपने दूसरे जो पॉइंट है उसकी, तो उसमें यह है कि आप अगर इसमें रिचार्ज, मतलब इसमें आप पैसे लगाओगे तो पैसे लगाने के लिए आपको ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बर्क एक ही ऑप्शन करता है, यूपीआई वाला। अब यूपीआई वाला इन्होंने क्यों दे रखा है आपको पता होगा, अगर आप यूपीआई से किसी को ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आप उससे रिफंड नहीं ले सकते। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इनका जो अबाउट सेक्शन आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इनका जो अबाउट सेक्शन है वो ओएमजी बुर्से जैसा सेम है, लेकिन जो ओएमजी बुर्से में जो कि उसकी सारी चीजें बताई गई थी जिससे कि पता पड़ जाता है कि रियल है या फेक है, वो सारी चीजें इस ऐप में से हटा दी गई हैं। तो इससे यही पता चलता है कि अब ओएमजी बुर्से ऐप है उसने अपना जो मतलब सारी चीजें अपडेट करके बढ़िया तरह से उसके बाद यह नया ऐप बनाया है आप सबके साथ स्कैम करने के लिए। सो गाइस, अब मेरा आपसे यही कहना है जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप इसमें पैसा ना लगाएं, बिल्कुल भी ना लगाएं। और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको लात रहता हूं, मिलते हैं आपसे।